है एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं ब्लॉगिंग अभी 7-8 दिन के बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके पहले मैंने थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद जो ना मेरी तबीयत खराब हुई या फिर जो ना मैं लो गई कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो तब तक आप पहले उस क्लिप को देख लीजिए जब तक मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, आप उस क्लिप को देख के आइए। एक सप्ताह पहले ज्ञान भवन में सरस मेला लगा था, 2023 वाला सरस मेला, तो मैं वहाँ गई थी घूमने के लिए। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बस यहीं का जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया वही शूट किया था। और ये बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था बाहर में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि मैं पहले दिन ही लगा था और उसी दिन गई थी, तो उस दिन भीड़ भी बहुत कम था, तो मैंने सुकून से सारा जो एग्जीबिशन बोलिए हैंडमेड था वो सब सुकून से देखा और बहुत अच्छा भी लगा। और उसी की झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं एक ज्वेलरी की शॉप लगाई हुई थी, तो वहाँ पे मेरा ध्यान गया और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बैंगल्स, ब्रेसलेट, कान में के इयर रिंग्स, नेकलेस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे थे कि मन कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ मैं। मुझे इस तरीके के बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये एक स्टार वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मैंने लिया नहीं। मैंने बस इसमें एक ही ब्रेसलेट लिया अपने लिए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं फिर नेक्स्ट टाइम आके लूँगी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, जो बचा हुआ है मेरा मैं क्या ही कहूँ, तो उस दिन ही मैं जा पाई। उसके बाद मैं गई नहीं क्योंकि ये मेला एक सप्ताह तक लगा था, बट अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गया है। तो बस मैं गई थी तो इसलिए उसकी झलकियाँ आपको दिखा दे रही हूँ। और ये है वो ब्रेसलेट जो मुझे पसंद आया था और मैंने लिया। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पैंट। खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे बनाया गया है, लैम्प हैंडमेड है, खूबसूरत लैम्प है, देखो मज़ा ही आ गया। ये झूमर अच्छा, एकदम हैंडमेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ऑल चिकन तो देख लिया आप लोगों ने। मेरा नाश्ता बनी हुई, लंच भी रेडी हो चुका है। और अब आज सुबह में मैंने जो थोड़ा सा शूट किया था आप वो भी देख लीजिए। मैं मंदिर गई थी, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपने हर बर्थडे पे मंदिर जाती हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ। तो आज मेरा बर्थडे है तो मैं मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने। तो एक लुक आप वो भी देख के आइए, उसके बाद हम लोग लंच करते हैं साथ में, है ना।
दोस्त है, सो अभी ने मुझे ला के दिया। और आज मैं चाय के साथ टोस्ट नहीं, बन खा रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था बन खाने का। तो बस हम लोग बाहर गए ही थे पूजा करने, तो वहाँ से रास्ते से हम लोगों ने बन भी उठाया और आज मैं चाय के साथ बन इंजॉय कर रही हूँ। और बहुत टाइम के बाद मैं बन इंजॉय कर रही हूँ, ये वाला बन जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। और मैं तो खा के एकदम आप एक्सप्रेशन देख के समझ पा रही हूँ कि मैं कितनी सुकून में चली गई थी। तो बस बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। बना है आज के लंच में ये है पनीर की सब्जी, माई फेवरेट। थोड़ा सा अनियन लिया है मैंने, ये घर पर मैंने मिर्चा का अचार बनाया था, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये रही रोटी और ये है अरहर की दाल तड़के के साथ, और मैं इसे इंजॉय करने वाली हूँ अभी। और आज यहाँ बारिश हो रही है तो लाइट भी कट हो चुका है, बट मौसम अच्छा है अभी तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी में इंजॉय करते हैं, है ना। Yum. All time favorite. मुझे पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, अरहर की दाल भी बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो अभी मैं करती हूँ लंच, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, इसको फिनिश कर लूँ। मैं बोली थी पसीना नहीं हो रहा, मुझे पसीना पता नहीं क्यों लाइन कट गया यार, गर्मी लगने लगी अचानक से। आप लोग भी खा सकते हैं, ट्राई प्लीज, बहुत अच्छा बना है। यम। क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं रेडी हो ही रही थी बाहर जाने का, प्लान था मूवी देखने का, शॉपिंग करने का और बाहर डिनर करने के और आ जाएंगे, बट ये बारिश ने जो पचका किया है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ नहीं बोल सकती मैं। इतनी तेज आंधी आई, इतना तेज हवा चला और इतनी तेज बारिश हुई और काफ़ी देर तक, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, घर पे ही बर्थडे मन रहा है और क्या कर सकते हैं, मौसम अच्छा हो चुका है बस, और सारा प्लान धड़ा का धड़ा रह गया, पचका हो गया। अब बस घर पे ही हम लोग खाएंगे पिएंगे खाना, डिनर करेंगे, बस ऐसे ही बर्थडे बीता और क्या। हंसी भी आ रहा है और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है यार, बाहर निकलते ओबियसली थोड़ा सबको होता है कि बर्थडे है तो चलो यार थोड़ा इंजॉय करते हैं, बट भगवान जो चाहेंगे वही होगा, बाकी सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं होता है। जो जब ऊपर वाला अपना रास्ता निकालता है ना, तो सबका प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हंसी आ रही है। तो फिर मैंने लास्ट में अपने बालों को ऐसे ही गूंथ लिया, क्या किया जाए, गूंथ लिया, और बस सब डिनर करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, और बस वही खाऊंगी और सोऊंगी और क्या करूंगी, पूरा दिन तो बस निकल ही गया बारिश में। तो इस वीडियो को यही एंड करूंगी और क्या करूंगी, ब्लॉग अच्छा लगा है तो बस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। और पेश करती हूँ मैं आज का डिनर आप लोगों के सामने। तो आज के डिनर में है पुलाव, चना दाल तड़का, चिकन करी, पनीर दो प्याज़ा, लच्छा पराठा, सैलेड, और स्वीट्स में है अपने पास मलाई रोल और माय फेवरेट फेवरेट रस मलाई। और ये सारा खाना जो है वो होममेड है, और ये सारा खाना बनाया है मेरे बर्थडे स्पेशल हबी ने घर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। मैं जब भी वो खाना बनाते हैं मैं वीडियो में ये ज़रूर बोलती हूँ। और चूँकि बारिश हो चुकी थी तो बाहर जाना तो कैंसिल हो ही चुका था, तो उनकी तरफ से ये स्पेशल ट्रीट था मेरे लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए बनाया बहुत ही प्यार से,
और प्यार कैसा दिखता है खाने में, जो स्वाद आता है वो इतने अच्छे से खाना बनाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे जोरों की भूख भी लगी थी क्योंकि मैंने सुबह जो 2 बजे लंच किया था उसके बाद कुछ नहीं खाया, और ये खाना ऑलमोस्ट मैं 10:30 बजे फिनिश करने बैठी हूँ। मतलब ये पूरा नहीं खाऊंगी, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना दिया क्योंकि उसको अंदाज़ तो मिलता है नहीं कि बनाना कितना है, बट ठीक है हम लोग फिर फ्रीज में रख के यूज़ कर लेंगे, उसको कोई इशू नहीं है। बट खाना बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो ऐसा बना कुछ मेरा बर्थडे। Thank you.